वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टूडेंट अड्डा पर। मैं हूं KS तोमर। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मास्टर डिग्री की इम्पोर्टेंस क्या है। सो फ्रेंड्स, उससे पहले आपको बता दूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, दो तरह से मास्टर डिग्री के बेनिफिट होते हैं। पहला, एज ए कैरियर ऑप्शन, जो कॉमन है, जो स्टूडेंट रिसर्च एंड एकेडमिक में जाना चाहते हैं ये उनके लिए काफ़ी बेटर है। जो सेकंड है वो है एक्सपर्ट इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट, यानी कि आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं। सो टुडे आई विल शेयरिंग माई व्यूज़, सो लेट स्टार्ट। अक्सर ऐसा देखा गया है, जो स्टूडेंट जो मास्टर डिग्री होल्डर हैं उनकी डिमांड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्रेजुएट स्टूडेंट। उनको ज़्यादा सैलरी भी मिलती है, एक तरह से मास्टर डिग्री एक्सपीरियंस का काम करती है। अब बात करते हैं मास्टर डिग्री के प्राइम एडवांटेज के बारे में। पहला है अर्न हायर पे, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। दूसरा है विन मोर प्रमोशन विद गुड इंसेंटिव, मतलब आपको, आपके पास अगर मास्टर डिग्री है तो आपको प्रमोशन भी जल्दी मिलते हैं और साथ ही एक अच्छा इंसेंटिव भी आपको उस कंपनी से मिलता है जहां आप रिक्रूट हुए हैं, जहां आप जॉब करेंगे। थर्ड है हायर जॉब सिक्योरिटी, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आपकी जॉब सिक्योरिटी के चांसेस ज़्यादा हैं, आपकी जॉब सिक्योर है एक तरह से। अगर कंपैरिजन करें हम ग्रेजुएट स्टूडेंट से, तो मास्टर डिग्री वाले स्टूडेंट को जॉब सिक्योरिटी के हायर चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की। इसमें जो फर्स्ट एडवांटेज है वो ये है, फॉर हायर सैलरी। जब आपके सीवी या रिज्यूम, जो बायोडाटा आप जब जॉब के लिए जाते हैं उसे लेके जाते हैं, उसमें मास्टर डिग्री हो किसी भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट यानी जैसे आपने इकोनॉमिक्स में की है, इंग्लिश में की है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आपकी डिग्री उसमें लिखी हुई है, तो आपका जो बायोडाटा है, सीवी है, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। अगर इसको हम कंपेयर करें ग्रेजुएशन से, क्योंकि ग्रेजुएशन आज के टाइम में काफ़ी कॉमन है, मैक्सिमम स्टूडेंट के पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, बट मास्टर्स के लिए बहुत कम ही स्टूडेंट आगे जाते हैं। सेकंड जो प्राइम एडवांटेज है वो है डिमांड। आंकड़ों के अनुसार एज पर स्टूडेंट, मास्टर डिग्री होल्डर और पीजी डिग्री होल्डर यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। आजकल किसी भी सेक्टर में देखा जाए तो जिनके पास मास्टर डिग्रीज हैं उनकी डिमांड कंपनी ज़्यादा करती है, बिकॉज उनके पास किसी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज होती है, डेट्स वाई उनकी डिमांड आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा है। सो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज मास्टर डिग्री एक स्पेसिफिक डिग्री है और साथ ही आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक्सपीरियंस भी इससे आपका पता चलता है कि आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना एक्सपीरियंस है और कितना नहीं। जो तीसरी चीज़ इसमें आती है वो है जॉब सिक्योरिटी। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.5% है एज़ कम्पेयर टू बैचलर डिग्री होल्डर, इसलिए यहाँ रिस्क लेवल भी जीरो है। यानी कि अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.5 है तो एम्प्लॉयमेंट रेट आपका ज़्यादा ही होगा, इसलिए यहाँ पर जो रिस्क होता है, रिस्क लेवल है जॉब को लेके, वो काफ़ी कम होता है अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो। जो चौथा पॉइंट आता है इसके अंदर वो है आपका इंसेंटिव। अगर हम बात करें इसमें बिजनेस पर्सन की, तो मान लीजिए आप MBA करते हैं और आपके उस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन है, आपने सब्जेक्ट में, तो सिक्योर जॉब के साथ पावरफुल इंसेंटिव भी मिलता है। बिकॉज अगर आप किसी कंपनी में रिक्रूट हुए हैं और आपके पास बैचलर डिग्री है और आपके फ्रेंड के पास मास्टर डिग्री है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी आपके फ्रेंड को, साथ ही जो सैलरी पैकेज होता है और जो इंसेंटिव मिलता है
वो भी डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन पर कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है। अगर आप मास्टर डिग्री होल्डर हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो सैलरी पैकेज होगा, इंसेंटिव होगा, वो आपको ज़्यादा ही मिलेगा और उसके कंपैरिजन में। पांचवा जो इसका प्राइम बेनिफिट है वो है इंक्रीज स्किल एंड नॉलेज इन ए सब्जेक्ट। मतलब आपकी जो स्किल्स हैं वो भी इसमें शो करती हैं कि आपकी स्किल्स इसमें अच्छी हैं, आप नॉलेजेबल हैं इस सब्जेक्ट को लेकर। और जो छठा इसका प्राइम एडवांटेज है वो है प्रमोशन। जैसा कि एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप किसी भी ऑफिस में, गवर्नमेंट सेक्टर में किसी जॉब पर हैं और आप ग्रेजुएशन डिग्री होल्डर हैं, अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो वहाँ पर किसी भी तरह का कोई एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है, या आपको उस बेसिस पे प्रमोशन मिलता है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। अगर आप मास्टर डिग्री होल्डर हैं या उससे अबव कुछ आपके पास क्वालिफ़िकेशन है तो आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस बहुत जल्दी प्रमोशन मिलता है और चांसेस भी काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। सो ये सभी पॉइंट मास्टर डिग्री के काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं जो आपको पता होने चाहिए, बिकॉज़ मास्टर डिग्री आपके लिए एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको आपके कैरियर में आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्प करता है, और स्पेशली इन इंडिया आजकल इसकी काफ़ी डिमांड है। तो प्लीज़ जब भी आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करें तो मास्टर्स को लेकर थोड़ा सा सीरियस रहें, थोड़ा उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपके फ्यूचर में वो काफ़ी काम आने वाली है। सो वेल फ्रेंड, ये सभी बातें आई होप आप ध्यान रखेंगे और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।